पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर इस वर्ष तारापुर में जबरदस्त जुलूस देखने को मिला। अलग अलग जत्थों में जुलूस निकाले गए। सभी जुलूस बिहमा के देवगांव करबला पर जाकर खत्म हुआ। पिछले 12 दिनों से नबी पाक के खुशियों का इजहार महताब है, गुलाब है, संदल है बेटियां, ममता खुलूस प्यार की चादल है बेटियां जैसे बातों को नबी पाक की बातों को चल रहे मिलाद उन नबी में मौलाना अमजद रजा द्वारा सुन्नीवल मदरसा में लगातार सुनाया गया, जिसके बाद रविवार को ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती समारोह के मौके पर क्षेत्र के रामपुर, बनगामा, लखनपुर, गाजीपुर, मिल्की खानपुर एवं पुरानी बाजार तारापुर से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग जुलूस के साथ उर्दू चौक, तारापुर बाजार, मोहनगंज, धोनी, बिहमा होते हुए देवगांव करबला गए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रबी उल अव्वल के माह के 12वें दिन 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। कुरान में ईद ए मिलाद को मौईद मावलिद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पैगंबर के जन्मदिन। आज की रात सभी मुस्लिम गौवों में पैगंबर की बातों को किताब हदीद से सुना जाता है। इस मौके पर विभिन्न गौवों से आए जुलूस को अलग अलग लोगों द्वारा अगुवाई की जा रही थी। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा के साथ उम्रदराज एवं बच्चे भी शामिल थे। जुलूस पूरी तरह मर्यादित होकर चल रही थी। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, आका की आमद मरहबा, नाराय तकबीर अल्लाह हो अकबर, ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद के गगनचुंबी नारा लगाए जा रहे थे। जुलूस में पैदल, मोटरसाइकिल, चार पहिया बड़े वाहन पर लोग चल रहे थे। लोग धार्मिक झंडे के साथ चल रहे थे। विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। चौक चौराहे पर पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद थे। एसडीपीओ पंकज कुमार, थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन, बीडीओ संजय कुमार, सीओ अलग अलग जत्थे के आगे चल रहे थे। समाजसेवी मंटू यादव, मोहम्मद कलीमुद्दीन पप्पू खान, मोहम्मद राफियोजम्मा, मोहम्मद तारिक अफरोज आलम, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद एजाज जुलूस के साथ चल रहे थे। आज अरबी महीना का 12 रबी उल अव्वल यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्म दिवस है, जिसको पूरी दुनिया के इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत ही अकीदत के साथ जश्न मिलादुन्नबी के रूप में मनाते हैं। इसका कार्यक्रम आज तारापुर में भी हो रहा है और इसी कार्यक्रम में मैंने बिशनपुर, रामपुर, लखनपुर और गाजीपुर के लोग एक जैती एक जुलूस के रूप में तारापुर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे जो बेगाँव कोठी के पास करबला है, यहाँ पे आके इस जुलूस का मैंने अंतिम रूप देते हैं। और यहाँ पे जो मजार है वहाँ पे बहुत सारे अकीदतमंद दुआ और फातिहा पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर पुनः अपने अपने गंतव्य पे सब लोग पहुँच जाएंगे। मैं इस त्यौहार के अवसर पर मैं सभी तारापुर वासियों, बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। रफीउज्जमा कार्यक्रम है ईद ए मिलादुन्नबी, जिसे हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम से भी जानते हैं। आज ही के दिन हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, उनके ही याद में आज हम लोग गाजीपुर से करबला तक रैली निकाल के जा रहे हैं, जुलूस लेके जा रहे हैं, जिसमें नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग एवं हम सभी नौजवान लोग भी उपस्थित हैं। उपस्थित होकर करबला जा कर के इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का जो इन्होंने हम लोगों को जो चलने का रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलने का हम लोग ये हर साल जो है इनके जन्मदिन पर हम लोग इनके जन्मदिन पर हर साल मनाते हैं और इनके साथ इनके जो दिया गया इनका इस्लामिक तौर तरीका है इनको अपनाते हैं। दो साल कोरोना के कारण हम लोग जुलूस नहीं निकाले, लेकिन हम लोगों के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब जी का कोई भी इस तरह का ये नहीं था। हम लोग बड़े उमंग के साथ अपने घरों में रहकर इबादत किए, कुरान पढ़े, तिलावत की और इनको याद किए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तारिक गाजीपुर।